शाजापुर में काफी समय से सट्टे का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसकी सूचना एसडीओपी दीपा डोडवे और थाना प्रभारी अवधेश कुमार शेषा को जैसे लगी, वैसे ही आज शाजापुर शहर में सटोरियों के अड्डों पर छापामार कार्रवाई करते हुए सटोरियों को पकड़ लिया गया। शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो अलग अलग सटोरियों के स्थान पर शाजापुर एसडीओपी दीपा डोडवे के मार्गदर्शन पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें तीन लोग गिरफ्तार किए गए। सूचना देते हुए एसडीओपी दीपा डोडवे ने बताया कि शाजापुर में आज सटोरियों के तीन अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक जगह पर एसटीओपी को असफलता प्राप्त हुई है। साथ ही शाजापुर कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार शेषा के द्वारा भी कार्रवाई करते हुए सटोरियों को पकड़ा गया। सटोरियों के पास से बड़े पैमाने पर सट्टे की पर्ची भी बरामद की गई है। घटनाक्रम तक क्या हुआ? आज हमें चूंकि शाजापुर जिले में सट्टे की सूचना प्राप्त हो रही थी, आज हमारे द्वारा मुखबिर से सूचना निकलवा कर नई सड़क पर महाराजा होटल के पास एक सट्टा पकड़ा गया है, जिसमें 12,000 का कुछ सट्टा पकड़ा गया, जिसमें 3-4-5 आदमी है। एक और उसके बाद कार्रवाई इसी के साथ की गई पटेलवाड़ी में, जिसमें भी हमारे द्वारा 4 लोग पकड़े गए, जिसमें 2500 का सट्टा बनाया गया है। आगे भी हमें और एक दो सूचना प्राप्त हुई है, पर वहाँ भी असफल रहे हैं, लेकिन आगे इनकी कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ सट्टा लगाने वालों पे नहीं, जिसका सट्टा जो खिलवा रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उसका आगे जो भी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके उसको बंद करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के अनुसार कितने जगह चल रहा है शहर में सट्टा में? अभी मुझे मेरी जानकारी में जो दो थे वो तो मैंने पकड़े हैं, एक जगह और सूचना मिली थी, वहाँ मैं पहुंची भी थी, पर उससे पहले सट्टा हम पकड़ने में असफल रहे हैं, पर उस जगह पर हम दोबारा प्रयास करेंगे और आगे भविष्य में उसको जरूर पकड़ेंगे। मैम, मुजफ्फरपुरा क्षेत्र में काफी लंबे टाइम से तो सुनने में आया कि बड़े पैमाने पे होता है। मुजफ्फरपुरा में अगर पॉइंट है तो हम लोग मुखबिर लगा के उनकी भी करेंगे, और जो चलवाता है मेन चलाने वाले, ठीक है, जो चलवाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की ये रिपोर्ट।